नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से आपकी बातें सभी के लिए लेकर आता हूँ एक कहानी के रूप में। अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम तक लाना चाहते हैं, दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, तो मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है बाबा, पहले बता रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं कोशिश करके अपलोड करने की बात रखता हूँ। ठीक है, आज की जो कहानी है इसमें एक बात नहीं पता चली है कि अगर आपके पास कोई छोटी समस्या है तो कन्हैया से कहिए, और अगर कोई बड़ी समस्या है तो भोले बाबा के पास जाइए। मतलब ये एक ऐसा परिवार है, कहते हैं कि हम बहुत समय से ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं और हमारे को मदद मिलती है। छोटी समस्या कि इस महीने थोड़ा सा बजट हिल गया है, कन्हैया थोड़ा संभाल लो, कन्हैया संभाल लेते हैं। कन्हैया मेरा जो बच्चा है ना, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मूर्खता दिखा रहा है, इसे संभाल लो, कन्हैया संभाल लेते हैं। हस्बैंड का जॉब जा सकता है, भोले बाबा कुछ करो, भोले बाबा ने बचा ली जॉब। कहते हैं कि छोटी समस्या और बड़ी समस्या को डिसाइड हमें खुद ही करना पड़ता है, फिर हम वो समस्या अपने ईश्वर तक लाते हैं। बड़ी कमाल की और एक अलग तरीके का अनुभव है, जरूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। ये एक ऐसे दंपति की कहानी है जिनके दो बेटे एक बिटिया है, दोनों बेटे बड़े और एक छोटी बिटिया। ठीक है, ये सभी लोग छोटे छोटे ही हैं जो बालक हैं, ऐसा नहीं कि कोई ग्रेजुएट है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ नहीं, सब छोटे छोटे हैं। 8वीं क्लास 7वीं क्लास 6ठी क्लास कुछ ऐसा इनका डिस्टेंस रहा है। और बड़ा बढ़िया एक अलग सा मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है सुनाने को। होता क्या है कि ये परिवार मद्रास का रहने वाला है, और कहते हैं कि जब हम दिल्ली में रहते थे तो वहाँ दिल्ली में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसके पास हमारा एक किराए का मकान हुआ करता था। और ये जो है हस्बैंड वाइफ, इनका नाम बता देता हूँ, और नाम काल्पनिक है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये रियल नेम होते हैं, नाम काल्पनिक होते हैं और हमें उनकी परमिशन के बाद ही चेंज करना पड़ता है। प्रतीक और सौम्या ये हस्बैंड वाइफ हैं, और जो बच्चे हैं उनमें मैं बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बिटिया कहूँगा। ठीक है, बहुत सारे नामों में फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। प्रतीक और सौम्या यहाँ ये दोनों वर्किंग हैं, दोनों जॉब करते हैं। जो बच्चे हैं ये इन्हीं की नज़रों के आगे रहते हैं। जो हस्बैंड हैं ये स्पोर्ट्स टीचर हैं, जो वाइफ हैं ये लाइब्रेरियन हैं, लाइब्रेरी संभालती हैं। और तीनों बच्चे इसी स्कूल में हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बच्चों के नंबर कम आते हैं, तीनों बच्चों के नंबर कम आते हैं। पढ़ाई बहुत करते हैं बेचारे, लेकिन क्या करें, नहीं आ रहा दिमाग में, भूल जाते हैं सब कुछ। कन्हैया से इन्होंने अर्जी लगाई, और इनको बताया किसने कि आपके इष्ट कन्हैया हैं, एक किसी गुरुजी ने, किसी पंडाल में ये कहीं गए थे तो वहाँ बताया कि ये जो गुरुजी हैं फेस रीडिंग भी जानते हैं, हाथ पढ़ना भी जानते हैं, और जो वास्तव में, मतलब मैं किस तरीके से, किन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाऊँ, जिनको नॉलेज है ना वो सिर्फ एक सेकेंड में आपको देख कर बताना जानते हैं कि कौन आपके इष्ट हैं। और कहा जाता है कि अपने इष्ट की अगर पूजा करते हैं आप, किसी भी भगवान जी की पूजा करते हो ना, किन्नी की भी करते हो, आप किन्नी को भी मानते हो, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, वक्त लगेगा लेकिन करेंगे, और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। लेकिन अगर इष्ट की पूजा करी जाती है तो कहा जाता है कि उससे आपके पितृ भी आपके फेवर में हो जाते हैं, यानी आपके जो पूर्वज हैं वो आपको परेशानियों से बचा कर रखते हैं। ऐसा देखिए, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इसमें हो सकता है कि कहीं आपको लगे कि नहीं नितिन, यहाँ तुमने मिस्टेक कर दिया, इसे ठीक करो, तो मैं ठीक करने के लिए भी राजी हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि मेरी गलती है कहाँ। ऐसे ही नहीं कि हमें तो पता नहीं लेकिन तू गलत है, तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि कुछ बातों का पता है मुझे। ये जिस जगह आए थे जहाँ पर ये एक तरह का कथा वाचन चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ एक जो पंडित जी आए हुए थे, जो कथाकार थे उनके साथ वाले पंडित जी, उन्होंने बताया, जब सभी को बता रहे थे तो उन्हें भी बताया कि आपके जो इष्ट हैं वो कन्हैया हैं, कन्हैया की पूजा करो। तो घर जाने से पहले इन्होंने कन्हैया की छोटी सी मूर्ति खरीदी, अपने मंदिर में जाकर रख दी। जितना जिसको पता है वो वैसे करता है, और भगवान कभी इससे नाराज़ नहीं होते कि आपने मुझे ठीक से स्थापित नहीं कराया। ऐसा भगवान जी को कोई मतलब ही नहीं है, आपने जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बोल दिया, बात हो गई पूरी, है ना, आपको दो घंटे की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं, राधे राधे बोल दो, काम हो गया। होता क्या है कि जब ये घर आए और मंदिर में इन्होंने कन्हैया की मूर्ति रखी, तो इनका छोटा वाला बेटा कुछ देर में उठाकर ले गया कन्हैया की मूर्ति। पापा ने पूछा कि ये क्या करा तुमने, इन्हें कहाँ ले गए तू,
और ये दोबारा से इस तरह से नहीं, आपके हाथ गंदे हैं, खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप मंदिर में ऐसे मूर्ति उठाकर ले गए, ये क्या बात है? उसने कहा, पापा एक बात बताऊं, मुझे कल ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट करना था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बनाना क्या है, तो ये बढ़िया लग रहे हैं, इन्हें बनाऊंगा। और कन्हैया की मूर्तियां, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी से आप कंपेयर करो, लेकिन बहुत सुंदर होती है भाई। जैसे मुझे गणपति की आंखें बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगती हैं उनकी, सिर्फ आंखें अगर आप देखो तो मन करता है कि हटाओ नहीं। ठीक है, आप अगर यहीं हैं, मतलब अगर आप मुंबई में हैं, तो आप देखिए लाल बाग जाकर देखिए, और फिर नज़र हटा कर बताना मुझे कि गणपति से नज़र हटा पाए। खैर, मम्मी पापा ने कहा कि चल कोई बात नहीं, लेकिन अब मूर्ति वापस मंदिर में रख कर आ, और मैं एक फ़ोटो ला दूंगा, फ़ोटो से बना लियो। उसने कहा, नहीं मैं यही वाली मूर्ति बनाऊंगा। मम्मी ने कहा, अरे करने दो इसे, जो कर रहा है कोई बात नहीं, हम पहले खाना वगैरह खा लेते हैं। चलो जी, खाना परोस रहे थे, ये 10 मिनट के अंदर मूर्ति की फ़ोटो अपने ड्राइंग करके पापा मम्मी को दिखाने आया। मम्मी खाना खा रही थी, हाँ ठीक है अच्छी बनी होगी चलो, अरे देखो तो सही, हाँ ठीक बनी होगी चलो, अरे इसका बेचारे देखो छोटा है, लेकिन कम से कम थोड़ी सही इज्जत तो मिलनी चाहिए थी। फिर बड़ा भाई आया, उसने कहा, अरे इसने अच्छी बनाई है। छोटी गुड़िया आई, सबसे छोटी जो है, उसने भी कहा, मम्मी पापा अच्छी बनाई है, एक बार देखो तो सही। मम्मी पापा अपना खाने में लग रहे हैं कि तुम सबका ये नौटंकी हो गया हो तो आ जाओ खाना खा लो, हम तो कह कह कर थक गए, तुम्हारे पीछे प्लेट लेकर चलना पड़ता है। अब ये तीनों बच्चे बैठ गए, उसने अपनी फ़ोटो जो बनाई थी वो उल्टी करके वहीं रख दी। कोई बात नहीं, मत देखो, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। मम्मी पापा ने कहा, अच्छा दिखा फोटो दिखा। भाई साहब, उसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने फ़ोन से खींच कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख दिया हो। अब मम्मी पापा ने कहा कि तुम दोनों ने हेल्प करी होगी, छोटी गुड़िया जो है थोड़ी बहुत ड्राइंग में अच्छी थी। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं बनाई, और मैं इतनी सुंदर बना ही नहीं सकती। बड़ा वाला बेटा कह रहा कि मेरे को तो पकड़नी ही नहीं आती पेंसिल इस तरह से, ये मैंने इसी ने करा है। मम्मी पापा ने कहा, सच में तू नहीं बनाई है? हाँ हाँ मैंने बनाई है, हम तेरे को सच में एक बहुत बड़ी वाली आइसक्रीम खिलाएंगे, सही सही बोल, झूठ नहीं। उसने कहा, मैंने ही बनाई है। पापा ने कहा, दोबारा बना। पापा मम्मी ने और इसने बच्चे ने खाना छोड़ दिया, वो दोनों खा रहे हैं, बहन भैया जो हैं खाना खा रहे हैं। हमें का मतलब क्या हो रहा है, तारीफ ही तो हो रही है, कौन सा छोड़ो, खाने पे इन्होंने ध्यान दिया। अब मम्मी पापा और ये छोटा वाला जो बेटा है, मंझला बेटा जो है ये वाला, ये गया, इनने पेंटिंग बनाई भाई साहब 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर इनने फिर बना दी, और मतलब बिल्कुल हूबहू बना रहा था। अब इन्होंने कन्हैया के सामने हाथ जोड़े, उन्हें ले जाकर मंदिर में रखा, हमें दिशा मिल गई, अब इसे इसी क्षेत्र में बढ़ना चाहिए जिस क्षेत्र में इसकी इतनी अच्छी पकड़ है, इतना छोटा और इतनी कमाल की आर्ट इसकी। अगले दिन जो स्कूल में कंपटीशन था, लड़का जीत भी गया, क्योंकि देखिए सबको मिला था आधे घंटे का समय कि आप कुछ भी बनाइए, ठीक है। इसने 10 मिनट में शीट सबमिट कर दी, और कहता है कि मैं 2 मिनट 3 मिनट तो खाली बैठा था, उससे पहले ही दे देता, किसी को यकीन नहीं हुआ। ठीक है, उस कंपटीशन में ये जीता कैसे, मतलब सबके जो आए पेपर, उसके बाद जब इसका हो गया कि ये जीत गया लड़का, मम्मी पापा को बड़ी खुशी हुई, वो भी वहाँ खड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने जीत गया, अच्छी बात है, आर्ट भी अच्छी है, लेकिन बेईमानी करी है। मम्मी पापा को बड़ा अजीब लगा कि आप क्या बोल रहे हो, बेईमानी करी है मतलब? नहीं नहीं देखिए, पहली बात तो काफ़ी सुंदर बनाई है ड्राइंग जिसने भी बनाई है, आप में से किसी ने इसे बनाकर दी होगी और जब इसे शीट दी तो आपने यहाँ चेंज कर दिया, इस बच्चे की तलाशी ली जाएगी, इसके पास शीट निकलेगी। बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने बेईमानी कब कर दी। मम्मी पापा ने कहा, एक मिनट, और ये बहुत सारे एक तरह से इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टाइप का था ये। मम्मी पापा ने कहा कि आप ना इस तरह से बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हो, उसके हुनर को आप लोगों के सामने अप्रिशिएट भी कर रहे हो और उसकी बदनामी भी कर रहे हो, हम बच्चे की तलाशी बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब यहाँ सभी ने कहा कि ठीक है फिर हम प्राइज़ भी नहीं ले जाने देंगे, ये फर्स्ट ज़रूर आया है, लेकिन हमें ऐसा लगा, बाद में टीम ने डिसाइड करा कि कुछ तो गड़बड़ है, लड़का अगर तलाशी देता है और इसके पास ड्राइंग नहीं निकलती है, ठीक है तो हाँ कुछ ठीक है, लेकिन अगर ड्राइंग निकल गई तो पता चलना चाहिए सबको कि बेईमानी करने का क्या नतीजा होता है। मम्मी पापा ने कहा कि अगर हम तलाशी करवा दें और अगर इसके पास आपके कहे अनुसार कोई शीट खाली नहीं मिली, और आपके कहने से ये यानी कि घर से बनाकर लाया था शर्ट में छुपाकर, और यहां आकर उसने वो ही दिखा दी, फिर क्या होगा? यहां पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी लोग हैं, बहुत सारे और भी टीचर्स हैं, बात थोड़ी गर्मा गर्मी सी होने लगी। तो उन्होंने कहा, नहीं इसमें कोई जीत हार तो है नहीं, लेकिन बच्चों को समझ आ जाएगा कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इन दोनों ने कहा कि हम भी टीचर ही हैं, एक स्कूल में हम भी टीचर ही हैं,
तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ जब ये बात हो रही है तो और बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो मैडम अब यहाँ पर आपके सामने ये ड्राइंग बनाएगा, ठीक है, और अगर इसने ऐसी ही बना दी तो फिर क्या होगा? बहस जब हो रही थी ना ज़्यादा, तो एक वो कहते हैं ना कि जब दो लोगों की बात हो रही हो तो तीसरे को बीच में ज़बरदस्ती का हीरो नहीं बनना चाहिए। एक भाई साहब थे, पता नहीं कौन चीफ गेस्ट थे क्या थे, मुझे नहीं समझ आ रहा, काहे के चीफ गेस्ट, तुम तो मूर्ख निकले, क्या कहते हैं कि अगर इसके पास शीट नहीं निकली तो इसके पूरे स्कूल की 12वीं तक की पैसे मैं दूंगा। फंस गए भाई साहब चीफ गेस्ट। हाँ, इन्होंने सबके सामने कह दिया कि अगर इसके पास शीट नहीं निकली, क्योंकि बेईमानी करी है इसने, साफ बेईमानी करी है, और अगर शीट नहीं निकली तो इसकी 12वीं तक का खर्चा मैं उठाऊंगा। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा, थोड़े से मुस्कुराए, कह रहे कि अब तो तू पहले तलाशी दे, ड्राइंग बाद में बनाइयो, बनाने की भी जरूरत नहीं है, अब तू पहले तलाशी दे। जब तलाशी हुई तो कोई कागज निकला ही नहीं, और चीफ गेस्ट इधर उधर देखने लगा कि यार मैं इन दोनों के बीच में गलती बोल गया। मम्मी पापा ने कहा कि सर अब क्या कहेंगे आप, यहाँ पर कुछ मीडिया पर्सन भी आए हुए थे, उन्होंने इस चीज़ का अच्छे से वीडियो फुटेज भी बना लिया, अब वो जो चीफ गेस्ट हैं अपनी बात से पीछे आएंगे तो बहुत बेइज्जती हो जाए। सबके सामने उन्होंने एक चेक साइन कर दिया बच्चे का 12वीं तक का। सब लोग भाई साहब बड़ी तालियां वालियां बज रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। उस बच्चे को छोटे से को समझ ही नहीं आया कि मेरी ड्राइंग पे तो इतनी ताली नहीं बजी, लेकिन अब ये कोई आदमी कुछ कागज पे साइन कर रहा है तो तालियां बज रही हैं। खैर, उस आदमी ने बेमन से सबके सामने अपनी बात और इज्जत रखने के लिए साइन कर दिया, सबने अप्रिशिएट करा, मीडिया वगैरह जो आया तो उन्हें अप्रिशिएट करा, वाओ कंग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, आपने अपनी बात रखी, बच्चे का मान रखा। उसने कहा मान गया तेल लेने, मेरे तो पैसे लग गए। होता क्या है कि उस आदमी ने अपना गुस्सा, अपनी खुंदक इन दोनों पर उतार दिया। हस्बैंड वाइफ जिस स्कूल में हैं, इस चीफ गेस्ट ने उधर फ़ोन कर दिया, इस बच्चे का ऐसे ऐसे बात हुआ है, इनके मम्मी पापा ये हैं, मम्मी लाइब्रेरी में है, स्पोर्ट्स में टीचर, पापा हैं, दोनों कल बाहर हो जाओ, ऐसा हो जाना चाहिए, और ऐसा हो गया। इन दोनों को अगले दिन स्कूल से निकाल दिया गया। किस वजह से? कोई वजह प्रिंसिपल जी ने बता दी, उनके पास तो बहुत सारी वजह होती हैं, क्योंकि ये तो उनके पास एक ऐसी बोरी होती है ना कि किसी भी टीचर की कभी भी गलती किसी भी साल की वो निकाल कर सामने प्रकट कर देती हैं। मैडम हमारे पैसे देख लीजिए, थोड़े बढ़वा दीजिए। नहीं, 1947 में तुमने ऐसा किया था। मैडम तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुमने किया था, तुम्हारे मन में तो आई होगी। मैडम मैं पैदा ही ना हुई थी। खैर ये प्रिंसिपल टीचर स्कूल का तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने को मेरे पास, लेकिन कहानी पर रहते हैं। इन दोनों को समझ नहीं आया कि हमें स्कूल से क्यों हटाया जा रहा है। फिर किसी ने, थर्ड बंदे ने बताया कि इस वजह से, जो चीफ गेस्ट है उसकी वजह से। मैंने कहा ना कि छोटी समस्याएं कन्हैया संभालते हैं, बड़ी समस्याएं महादेव संभालते हैं। इनके हिसाब से ये यहां से सीधे महादेव से अर्जी लगाने चले गए, जिस मंदिर ये जाया करते थे। और ये केदारनाथ अमरनाथ की नहीं है, ये दिल्ली की ही बात है। वहां मंदिर में इनके पास शब्द नहीं थे कुछ कहने को, बस आंखों में आंसू थे। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास जो होते हैं ना हम लोग, हर महीने के पैसे जो बनते हैं ना उससे हमारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। हमें इस महीने ये खरीदना है, इस महीने ये नहीं खरीद सकते, अगले दो महीने में पैसे जोड़कर हमें ये लेना है, आगे समय में ये सामान सस्ता हो सकता है, महंगा हो सकता है, हमारी ज़रूरत है नहीं है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम पैसे वालों का तो खैर अलग हिसाब किताब है, कोई चीज़ पसंद आई, ज़रूरत हो नहीं है ले ली, तो उन पर ईश्वर की कृपा है, और रहे मैं तो कहूँ। इन दोनों ने जब यहाँ आंसुओं से महादेव को देखा, यहाँ के पंडित जी ने कहा कि बेटा आज बड़ा अजीब बात बताऊँ तुम्हें। उन्होंने कहा कैसी अजीब बात? कि अभी फिलहाल सुबह यहाँ पे 4-5 बजे से लोग आने शुरू हो जाते हैं मंदिर में, तुम पहले हो जो इस वक्त आए हो। आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा महादेव से क्या पूरी दुनिया नाराज हो गई। और मैंने यही कहा था कि महादेव, ऐसे ही मतलब मेरे मन से निकला था कि जो आज सबसे पहले आएगा उसको मैं एक भेंट दूंगा, और ये अमरनाथ की है। आज तुम दोनों आए हो और मेरे पास सच में तुम्हारे लिए एक भेंट है। ये अपने छोटे सा जो कमरा बना हुआ था वहाँ गए और वहाँ से एक छोटा सा शिवलिंग लेकर आए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सही में बर्फ का बना हुआ है। उन्होंने कहा इसे अपने घर में, मतलब मंदिर में स्थापित करना, लेकिन नीचे इसके एक लाल कपड़ा लगाना, ये एक अनोखी, एक अलग, एक कमाल
शिवलिंग है। उन्होंने पूरे आदर सत्कार के साथ अपने महादेव को घर में स्थापित करा। इन्होंने जब मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करा तो उस रात इन दोनों को सपने में सांप दिखे। सपने में सांप देखना कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। ये दोनों डर के उठकर बैठे, समझ नहीं आ रहा कि अब आगे आने वाला समय कैसे कटेगा, क्योंकि देखिए इस महीने की तो तनख्वाह चलो मिल गई दोनों को, लेकिन अगले महीने से समस्या होने वाली है। किराए का मकान है, किराया एकदम से सिर पर आ जाता है, और अगर एक महीने का छूट गया तो भाई साहब बहुत बुरा हाल हो जाता है। बच्चे तीनों अभी छोटे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम इन्हें अपनी मदद के लिए कुछ कहें, बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और जो सबसे छोटा है मतलब मझला बच्चा, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हुई हैं, वो आर्टिस्ट बहुत बेहतरीन है। इतने समय में जितना ये सब कुछ हुआ, इतने में इसने बहुत सारी और फोटो भी बनाई थी, बहुत सारी फोटो, और बनाता था, कोई उसे देखता नहीं था। उसे कभी डस्टबिन में डाल दिया, कभी इधर फेंक दिया, कभी उधर फेंक दिया। इन दोनों को, मम्मी पापा को, स्कूल से हटे और दूसरी जगह जॉब ट्राई करते हुए 11 दिन हो गए। जब शिवलिंग घर में आ चुका है, ठीक है, तो शायद जॉब जल्दी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12वें दिन ये उसी मंदिर गए, उन्हीं पंडित जी से मिलकर कहते हैं कि आपके महादेव ने कोई चमत्कार किया नहीं। उन्होंने कहा मेरे अकेले के होते ना तो मैं तो पूरे ब्रह्मांड के साथ चमत्कार करा देता। महादेव तो सभी के हैं और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, कभी वक्त लगता है कभी नहीं, लेकिन आप दोनों की ऐसी कौन सी समस्या है जो कि हमेशा आपकी आंखें भारी रहती हैं हमेशा? उन्होंने बताया कि हमारे पास काम नहीं है, हम अच्छे खासे एक स्कूल में तकरीबन 12-15 साल से टीचर हैं, लेकिन एकदम से ये सब कुछ हुआ, समझ नहीं आता क्यों। तो उन्होंने कहा कि आपको मीडिया वालों को बताना चाहिए जो उस वक्त वहाँ आए थे, लेकिन हम जानते नहीं ना, हमें तो किसी ने बताया कि वो जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने ऐसा कराया होगा। खैर अगर ऐसी बात है तो आज भंडारा है और वो जो चीफ गेस्ट हैं उन्हीं की तरफ से है, आप कहो तो एक बार भेंट करा दूँ आपकी और उनकी। नहीं नहीं हम क्या, नहीं तो माफ़ी मांग लो। अरे हम क्यों माफ़ी मांगेंगे, आप मंदिर में हैं, आप पंडित जी हैं, हमें लगा कि आप हमारी तरफ से बोलेंगे। कह रहे देखो बेटा, बातें ये सारी जो है ना टीवी में पिक्चरों में बड़ी अच्छी लगती हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ना, ये बड़े सिर्फ नाम को होते हैं, बहुत ही बदतमीज़ होते हैं, और इनसे माफ़ी मांग लो तो ये होता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं जाने दो, हो सकता है तुम्हारी नौकरी दोबारा लग जाए। अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि कोई बात नहीं, माफ़ी मांग कर देख लेते हैं, फिर जो अपना गुस्सा है उसे साइड करेंगे, नौकरी तो वापस मिल जाएगी। अब ये दोनों तैयार थे कि जब यहाँ भंडारा होगा तो हम भी आएंगे। स्कूल के बाकी जो टीचर हैं उन्होंने इतने समय में मिलकर कोई एप्लीकेशन ऊपर पहुंचा दी थी, ऊपर से एक्शन ले लिया गया। जो प्रिंसिपल हैं उनको कारण पूछे गए उन दोनों को हटाने के लिए, इनके पास कारण था नहीं। अब ये थोड़ा ना बताएंगे कि एक के बाल यहाँ से सफ़ेद हो रहे थे, दूसरे ने सोमवार के दिन 3 बजे छींका था, कुछ हो तो बताए ना, उनके पास कुछ था नहीं कहने को। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और 3 टीचर का नौकरी हैप्पी बर्थडे हो गया। इन दोनों को माफ़ी मांगने वाले वक्त से पहले फ़ोन आ गया, स्कूल में बुलाया है, एक बड़ी टीम आई हुई है, ऊपर से अफसर वगैरह आए हुए हैं। इन दोनों से माफ़ी मांगी गई, इन दोनों की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, इन दोनों से ये कहा गया कि स्कूल के व्यवहार, गलत व्यवहार की वजह से हमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एक चीज़ बताऊँ, यहाँ इन दोनों का फ़ायदा कम, स्कूल का ज़्यादा हुआ। ये जो स्पोर्ट्स टीचर है ना, ये ऐसे ज़बरदस्त कोच हैं कि लोग जो स्टेट लेवल पर पहुँच रहे हैं ना, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं इनके शिष्य हैं। तो ये कोई छोटे मोटे टीचर नहीं है, और टीचर तो कोई भी छोटा होता ही नहीं, माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों को वापस लो, ठीक है, ये गुरुजी कम नहीं है, बढ़िया बेहतरीन। और वो जो रिसेप्शन पर है ना मैडम, ये अकाउंट्स जब पढ़ाती हैं तो जो अकाउंट्स पढ़ाती मैडम है ना, वो भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं कि इतनी बेहतरीन इसे अकाउंटेंसी आती है, उसके बाद भी ये लाइब्रेरी में क्यों है। देखिए इंसान की मजबूरी उसे बहुत सारे ऐसे जॉब पर बैठा देती है जो कि उसके लेवल की नहीं है, उससे बहुत वो कुछ आगे कर सकती है। ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये फ़िलहाल जो आज की डेट में देखा जाए तो 12वीं कक्षा में है, और हाँ इन्होंने छत पर एक कमरा बना रखा है अब, जिसमें इसके अवार्ड वगैरह रखे जाते हैं, और ये डिजिटली भी काफ़ी फेमस हो चुका है लड़का, सोशली भी काफ़ी फेमस है। मम्मी पापा की परमिशन नहीं, वरना मैं इसका इंस्टा अकाउंट भी बता देता, इंस्टा हैंडल, और हो सकता है कि हमारी तरफ से थोड़ी मदद एक बहुत सारे फॉलोअर्स के रूप में आपको मिलती।
लेकिन देखिए आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई, आप आज भी बेहतरीन कर रहे हो, कल भी बेहतरीन करोगे। मम्मी पापा जो हैं ये दोनों स्कूल छोड़ चुके हैं फिलहाल, और घर से कोचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये एक अजीब सा कोचिंग सेंटर है जिसके अंदर बच्चों के पास पैसे हों तो पढ़ सकते हैं, नहीं हों तो भी पढ़ सकते हैं। बच्चों को किसी कंपटीशन के लिए तैयार कर, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर UPSC तैयार करना है, तो उसमें भी ये अपनी तरफ से जितना हो सकता है मेहनत करते हैं। कुछ कोचिंग सेंटर वाले इनसे परेशान रहते हैं कि ये कोई तरीका है, ये तो तरीका है ही नहीं, बच्चों पे पैसे नहीं है तो वो पढ़ेंगे कैसे, उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। और हाँ, इनका घर स्कूल से कम नहीं है, पूरे घर में जैसे हमारे वॉल पेंटिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे डस्टर, बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, मार्कर, पेंसिल, चौक, ये सब है पूरे घर में। तीनों बच्चे बेहतरीन है पढ़ने में, सबसे ज़्यादा अनोखा यही है बच्चा, ठीक है, जिसने ड्राइंग बनाई है। जो गुड़िया है ये बेहतरीन है पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कम है। और जो सबसे बड़ा बच्चा है ये कॉलेज में है, स्कॉलरशिप पर है, और ये खुश है, इसे कोई समस्या नहीं। इसी ने कहा था अपने मम्मी पापा को कि सब लोग कहानी भेजते हैं, हमारे पास कुछ हो तो हम भी भेज सकते हैं। मम्मी पापा को 2 महीने लग गए डिसाइड करने में कि क्या हम ये वाली कहानी, ये वाली बात बता सकते हैं, क्योंकि सब कहीं ये ना समझें कि ऐसा कैसे। तो जी, मैं सबकी बातों का सम्मान करता हूँ, सबकी कहानियों को सच मानता हूँ, आपके पास भी कोई अनुभव है आप मुझे भेज सकते हो। तो आज की कहानी में इतना ही, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।